हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि नीट बायोलॉजी क्लासेस में। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोग ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की, और आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ विजन। अगर हम लोग बात करते हैं आई के स्ट्रक्चर की, तो आई के स्ट्रक्चर को हम लोग ने कुछ इस तरह से देखा था कि सबसे बाहर की ओर क्या था, ये इस तरह से हमारा कॉर्निया दिया हुआ था। यहाँ पर कॉर्निया किससे बना था, स्क्लीरा से बना हुआ था, तो ये हम लोग ने स्क्लीरा बनाया था। स्क्लीरा के बाद ये दूसरी लेयर आई थी जो बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होती थी, जिसको हम लोग कोरॉइड कहते थे। दिस वॉज द कोरॉइड, ये कोरॉइड आगे जा कर के सिलरी बॉडी बनाती थी और यहीं पर आयरिस बन जाया करता था। अब देखिए, ये कोरॉइड है, ये सिलरी बॉडी है एंड इट इज़ द आयरिस, और यहाँ पर सिलरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकले थे जिनको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते थे, और इन्हीं से क्या लगा रहता था, लेंस लगा हुआ पाया जाता था। और यहाँ पर सबसे इनर मोस्ट लेयर पाई जाती थी विच वॉज नोन एज द रेटिना, इसको हम लोग क्या कहते थे, रेटिना कहते थे। दिस वॉज द रेटिना। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब आई आती है, लाइट आती है कॉर्निया पर, ये कॉर्निया पर लाइट स्ट्राइक करी, कॉर्निया से जा कर के ये लेंस पे जाएगी, और लेंस से निकल करके ये किस पे गिरती है, रेटिना पर गिरती है। किस पे गिरती है, रेटिना पर गिरती है। और हम लोग ने देखा है कि रेटिना की, जब मैंने आपको तीन लेयर्स बताई थी, तो वहाँ पर हम लोग ने देखा था कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, दैट वॉज फोटो रिसेप्टर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, फोटो रिसेप्टर लेयर थी। लेयर्स ऑफ रेटिना की अगर हम लोग बात करते हैं, लेयर्स ऑफ रेटिना, तो यहाँ पर तीन लेयर्स पाई जा रही थी, देयर वर थ्री लेयर्स। द आउटर मोस्ट वॉज फोटो रिसेप्टर लेयर, ये वाली जो लेयर थी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटो रिसेप्टर लेयर बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी लेयर थी, वो दूसरी लेयर यहाँ पर कौन सी थी, दूसरी लेयर यहाँ पर दैट वॉज ऑफ बाईपोलर सेल्स। दूसरी लेयर कौन सी थी, बाईपोलर सेल्स की लेयर थी। और इसके बाद जो तीसरी लेयर थी, दैट थर्ड लेयर वॉज ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल। यहाँ पर कौन से सेल्स की लेयर थी, ये गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर थी, और यही आगे जा कर के क्या बना देती थी, यही आगे जा कर के ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन यहीं से हो जाया करता था। तो अब बात को समझना है कि लाइट रेटिना के फोटो रिसेप्टर लेयर पर पड़ती है आकर के। तो ये देखिए, ये ऑप्टिक नर्व, ये आपका फोटो रिसेप्टर, और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, एंड दिस वॉज द ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं थे। अब बात को समझिएगा, ये आपका ऑप्टिक नर्व जो है, ये ऑप्टिक नर्व किस में खुलता था जाके, दिस ऑप्टिक नर्व यूज टू ओपन इन टू द विजुअल कॉर्टेक्स, ये किस में खुलता है, विजुअल कॉर्टेक्स में खुलता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लाइट जिस लेयर पर आती है, यहाँ पर लाइट जिस लेयर पे आकर के गिरती है, दैट इज़ फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर है। दूसरी लेयर दिस इज़ ऑफ बाईपोलर सेल्स, एंड द थर्ड लेयर इज़ ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। बात को समझिएगा बहुत गौर से, जब लाइट आकर के इन फोटो रिसेप्टर सेल पर पड़ती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन दिस फोटो रिसेप्टर सेल्स, जब ये लाइट आकर के फोटो रिसेप्टर सेल्स पर पड़ती है, तो हम लोग ने कल के सेक्शन में पढ़ा था कि फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट्स होते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटो पिगमेंट इज रोडोप्सिन। तो अब देखिए क्या होता है, जब लाइट आती है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, वेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द फोटो रिसेप्टर सेल्स, तो यहाँ पर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में मौजूद जो फोटो पिगमेंट है, दैट इज़ रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन जो होता है, इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, द वन इज रेटिनल एंड द सेकेंड इज ऑप्सिन।
दिस ऑप्शन इज ए प्रोटीन, ये हम लोग ने कल बात की थी। और रेटिनल क्या है, इट इज द एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इट इज द एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। अब क्या होता था, जैसे ही ये जो रोडोप्सिन है ये रेटिनल और ऑप्सिन में टूटता था, दिस ऑप्सिन अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये ऑप्सिन किस में चला जाता था, इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसके स्ट्रक्चर में चेंज होता था, इसके स्ट्रक्चर में जब चेंज होता था देन इट क्रिएट्स और इट चेंजेस द परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इट चेंजेस द परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो फोटोरिसेप्टर की जो परमीएबिलिटी है, फोटोरिसेप्टर सेल से बनी हुई जो मेम्ब्रेन है इसकी परमीएबिलिटी चेंज होती थी और यहाँ पर किसका जनरेशन हो जाता था, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता था, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इस तरह से एक इम्पल्स क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, और अब ये जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जब जनरेट हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स अब देखिए लाइट आई फोटोरिसेप्टर सेल पे पड़ी, फोटोरिसेप्टर सेल में एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स कहाँ पर अब आ जाएगा, इट विल कम टू द बाइपोलर सेल लेयर, ये कहाँ पर आ जाता है, बाइपोलर सेल्स में आएगा, बाइपोलर सेल से अब इम्पल्स कहाँ पर जाने वाली है, गैंग्लियोनिक सेल्स में, ये कहाँ पर चली जाएगी, यहाँ से इट विल गो इन टू द गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, अब गैंग्लियोनिक सेल से ये कहाँ पर जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल्स जो है अब देखिए यहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल से ये कहाँ पर जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन टू द विजुअल कॉर्टेक्स एंड दिस विजुअल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन, इट इज लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, और इस विजुअल कॉर्टेक्स वाले रीजन में इस ये जो इंफॉर्मेशन आई है, ये जो इम्पल्स आई है, इसकी एनालिसिस होगी और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पे बता दिया जाएगा कि ये इमेज किस चीज की है। ठीक है, ऑन एनालिसिस इसकी इम्पल्स की एनालिसिस होती है एंड टाइप ऑफ इमेज इज डिफाइंड, और इस तरह से इमेज के टाइप को डिफाइन कर दिया जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और इस तरह से क्या होता है, हम लोगों को एक जो लाइट आकर के सिंपली फोटोरिसेप्टर सेल पे पड़ती है उसको इमेज में कन्वर्ट करके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वेरी बेसिक एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू ह्यूमन आई, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हम लोग डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।